मेल स्टरलिटी, समझे? ये है कोई प्लांट ए और उसका फ्लावर, बड़ा गंदा बनाया, ठीक है। ये है कोई दूसरा प्लांट बी और उसका फ्लावर, ठीक है। ये है इसका एंथर। हम बात किसकी कर रहे हैं? मेल स्टरिलिटी की, मतलब हमें मेल पर फोकस करना है। ये है इसका मेल पार्ट जिसमें मेन चीज क्या है, एंथर। एंथर में से क्या बनेंगे? पॉलन। अगर ये पॉलन ही नॉन फंक्शनल हो, ये पॉलन ही नपुंसक हो, खराब हो, नॉन फंक्शनल हो, अगर ये पॉलन ही बेकार हो, ये पॉलन ही नॉन फंक्शनल हो, जो ना तो अपने फ्लावर को सेल्फ फर्टिलाइज कर पाए और ना ही किसी दूसरे फ्लावर को कर पाए, मतलब मेल स्टरिलिटी का जो केस होता है ना, वहां पर ना तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और ना ही वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वही बेकार होते हैं, वही नॉन फंक्शनल होते हैं, वही स्टराइल होते हैं। या तो ये एंथर पॉलन ग्रेन बनाएगा ही नहीं, और बना भी देगा तो वो नॉन फंक्शनल होंगे। ऐसी कंडीशन को कहते हैं मेल स्टरिलिटी। या तो एंथर पॉलन ग्रेन बनाएगा नहीं, आइदर पॉलन ग्रेन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल, या तो पॉलन ग्रेन बनेंगे ही नहीं, और बने तो वो नॉन फंक्शनल होंगे, बेकार होंगे, ना वो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाएंगे और ना ही किसी दूसरे फ्लावर को, ना ही वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, ना ही वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी कंडीशन को कहते हैं मेल स्टरिलिटी। बहुत सारे बच्चे मेल स्टरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैंने बताया था, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में पॉलन ग्रेन फंक्शनल होता है, बस वो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे को कर सकता है। लेकिन मेल स्टरिलिटी में पूरा फ्लावर ही नॉन फंक्शनल है, ना ही वो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकता है और ना ही किसी दूसरे फ्लावर को, उसे कहते हैं मेल स्टरिलिटी। इसके पीछे की वजह, पांच वजह हैं, यानी कि पांच प्रकार की मेल स्टरिलिटी है। एक होती है जेनेटिक मेल स्टरिलिटी, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में GMS। तो जेनेटिक मतलब जीन की वजह से, कहाँ का जीन? जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जीन इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होगा उसमें कुछ चेंजेस की वजह से जेनेटिक मेल स्टरिलिटी आती है। दूसरी होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, शॉर्ट में कहते हैं CMS। अब साइटोप्लाज्म में कौन सा जीन होता है? बिल्कुल होता है। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होगा, मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का DNA होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास जो DNA है, मतलब DNA मतलब उसके पास भी जीन है और इसके पास भी जीन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीन है, उसी को तो कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक जीन या साइटोप्लाज्मिक DNA। तो जैसे यहाँ पर जीन में, जीन तो जीन होता है, चाहे वो DNA माइटोकॉन्ड्रिया का हो, क्लोरोप्लास्ट का हो, न्यूक्लियस का हो, सभी के अंदर हेरिडिटी होती है, सभी के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। तो जब न्यूक्लियस के जीन में म्यूटेशन हुआ या कुछ बदलाव हुआ तो हमने कह दिया जेनेटिक मेल स्टरिलिटी। तो इसके जीन में भी कुछ बदलाव हो सकता है और उसकी वजह से जो मेल स्टरिलिटी होगी उसको कह देंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी। एक होती है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, दोनों की वजह से होती है। यहां पर इसको बोलते हैं शॉर्ट में या तो CGMS कहो या फिर GCMS कहो। करेक्ट है आपका ये, सॉरी करेक्ट है ऊपर वाला CGMS, यानी इसको आप पलट देना, साइटोजेनेटिक प्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। CGMS इसका ज्यादा पॉपुलर नेम है। इसमें क्या होगा, इसका जीन भी काम करेगा, न्यूक्लियस का और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जीन, दोनों की वजह से जब मेल स्टरिलिटी आएगी तो उसको बोलेंगे जेनेटिक मेल स्टरिलिटी। ये जो तीनों प्रकार की मेल स्टरिलिटी है ना, ये हेरिटेबल होती है। हेरिटेबल मतलब अगर ये मेल स्टरिलिटी डेवलप हो जाए तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। एक होती है ट्रांसजेनिक मेल स्टरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टरिलिटी। अगर ट्रांसजेनिक मेल स्टरिलिटी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से
जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अगर हम मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें मैं बता देता हूँ, हालांकि आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक टेक्निक है बर्नीस बस्तर सिस्टम, बर्नीस बस्टर सिस्टम। इस टेक्निक की मदद से, ये क्या है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी का इसमें यूज़ किया गया, इस टेक्निक की वजह से बर्नीस बस्टर सिस्टम जो मेल स्टेरिलिटी ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, इसी की वजह से अपना जो हाइब्रिड मस्टर्ड है ना, अपना सॉरी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है जिसके ऊपर अभी भी केस पेंडिंग है, अपना फर्स्ट तो अपना कॉटन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, लेकिन फर्स्ट एडिबल जो कोई अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो आपकी है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, जिसका नाम क्या है धरा हाइब्रिड। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसको बनाया गया, डेवलप किया, लेकिन इसके ऊपर केस है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ना, ये इसी टेक्निक से डेवलप किया है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी की मदद से। ठीक है, ये जो होगा चार, एक होता है आपका केमिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, ये जो होती है ना, ये भी आपकी हेरिटेबल होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। एक होती है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, मतलब कोई केमिकल का ट्रीटमेंट करो और उसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी। ये होती है नॉन हेरिटेबल, मतलब ये सिर्फ उसी पीढ़ी में रहेगी ये वाली। अगर मान लो आपने केमिकल की मदद से किसी प्लांट में मेल स्टेरिलिटी कॉज कर दी, आप केमिकल में यहाँ पर मैलिक हाइड्राजाइड का यूज़ करें, आप यहाँ पर नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का यूज़ करें, GA3 का यूज़ करें, और कोई केमिकल इथरेल का यूज़ करें, इथरेल इन केमिकल का यूज़ करके आप उस प्लांट के अंदर मेल स्टेरिलिटी कॉज कर दोगे, लेकिन वो मेल स्टेरिलिटी सिर्फ उसी प्लांट तक सीमित रहेगी, वो प्लांट जब नए सीड बनाएगा उसमें मेल स्टेरिलिटी नहीं जाएगी। इसको कहते हैं नॉन हेरिटेबल। इसलिए जो केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी होती है वो नॉन हेरिटेबल होती है। तो ये पांच प्रकार की मेल स्टेरिलिटी है। ठीक, इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा, एक और चीज़ सुन लो, इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा हम करते हैं किसमें, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसका बहुत यूज़ है, बहुत। इससे क्यों, रीज़न मैंने आपको बताया तो वही, मैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता जैसे सेल्फ अपना इनकम्पेटिबिलिटी में था, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से भी ज़्यादा इसका यूज़ है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, मेल स्टेरिलिटी का उससे भी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम लोग।